जेई मेन 2018 का एक एरोमेटिक ईथर्स का एक क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, एक इस तरह का डाई ईथर लिया है जिसमें एक तो ईथर लिंक सीधा एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक में ये सेकेंडरी कार्बन के बाद है एलिफेटिक पोजिशन पर, ठीक है ना। अब वो एच आई से रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर मान लो ईथर की रिएक्शन एच आई से करवाएं, एक तरफ आर वन है एक तरफ आर टू, ठीक है ना, तो अगर इन इस आर वन या आर टू में से कोई एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी कार्बोकेटायन या टर्शरी के जैसा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लायक होता है तो रिएक्शन होती है SN1। मान लीजिए ये टर्शरी है या टर्शरी से बेहतर है तो रिएक्शन होगी SN1। ऐसे में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा यहाँ से, ठीक है ना, तो ये बना लेगा R1I और ये बना लेगा R2OH, ठीक ना, बात समझ में आ रही। और अगर टर्शरी जैसा नहीं हुआ, मान लो ये R1 और R2 में से कोई भी टर्शरी नहीं है, दोनों प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ठीक है ना, ऐसे में अगर HI से रिएक्शन होगी तो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 में जो स्मॉलर होगा ना, जो स्मॉलर है, मान लो ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, तो HI इस तरह से ब्रेक होगा कि स्मॉलर के साथ ही SN2 अटैक कर लेगा, तो R1OH इधर बन जाएगा और R2I इधर बन जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ईथर एच आई के साथ एसएन वन भी कर सकता है और एसएन टू भी कर सकता है, लेकिन एसएन वन की शर्त क्या है, एसएन वन की शर्त ये है कि दोनों एल्काइल ग्रुप्स में से कोई एक कम से कम टर्शरी या टर्शरी से बेहतर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लायक होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें हमारे कंपाउंड में, आप जो रिएक्शन इन्होंने दी हुई है उसको देखें, यहां पर एक ईथर लिंक ऐसा लिया गया है जिसमें अगर हम एच आई डालें तो यहाँ एक बहुत स्टेबल एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाने जैसी स्थिति है, तो ये एस एन वन हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक थ्रू एस एन वन एंड आई विल बी कनेक्टेड टू दिस कार्बन एंड दिस ओ सी एस थ्री ओ एच, सी एस थ्री ओ एच विल गो आउट। इधर की ओर जो लिया है उसमें यहाँ तो देखो पी डी सी एच, यहाँ तो पी डी सी एच है, तो ये बॉन्ड तो वैसे ही टूटना नहीं है, ना एस एन वन के थ्रू टूटता है ना ही एस एन टू के थ्रू टूटता है, ये प्राइमरी है। ऐसे में अब एच आई को इस तरह से ब्रेक होना पड़ेगा कि ये एस एन टू करे और छोटे वाले ग्रुप की ओर चला जाए, आई माइनस छोटे वाले पर अटैक कर ले, यहाँ आई माइनस बड़े वाले पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनता एस एन टू से अटैक होगा तो उधर अटैक होगा जिधर की ओर क्राउडिंग ना हो, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन तो होगी थ्रू एस एन टू और ये रिएक्शन होगी थ्रू एस एन वन, ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, ऊपर वाले हिस्से में यहां आ जाएगा I और यहां आ जाएगा OH, बदले में इधर क्या बच गया, इधर बच गया सी एस थ्री ओ एच, उधर इधर क्या बच गया भाई, इधर बच गया इथाइल आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये जो है ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और ये है ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ रही बात, नोट करो।